नमस्ते गाइस, वेलकम टू IWM बस। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप दोनों को भी। तो कैसा चल रहा है नवरात्रि का त्योहार, और इसी दौरान आपका एक शो भी आने वाला है। चल यस, आई थिंक इट्स ग्रेट. वी आर ऑल द टाइम वर्किंग एंड एक नया शो आ रहा है, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैयालाल की. तो पूरी टीम उसमें लगी हुई है, वर्किंग ऑन राधा कृष्णा एंड JKL के एट द सेम टाइम. सब लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं. आई थिंक सो इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल टाइम फॉर अ न्यू शो टू स्टार्ट. हम देख रहे हैं लोगों को गरबा खेलते हुए एंड वी आर हैप्पी फॉर देम. हाँ अगर सोमानी का आप कुछ बोलना चाहोगे, हमें इस बार आपका नो लक्ष्मी जी का रूप देखने को मिलेगा शो में। सो कितना एक्साइटमेंट है शो को लेकर? बहुत एक्साइटेड हूँ. अभी नया शो है, सब लोग अच्छे से धूमधाम से काम कर रहे हैं, जी जान लगा के दिन रात शूट कर रहे हैं. ऊपर से अच्छा छोटू सा प्यारा सा बच्चा है हेजल, वो कृष्ण का किरदार प्ले कर रही है. लड़की है हालांकि, और कैसे कर रहे हैं पता नहीं, आई हैव नो आइडिया, नो क्लू अबाउट दैट. बट बहुत जिस तरह से प्रोमोज बनाए हैं, जिस तरह से लोग पसंद कर रहे हैं, इट्स वेरी गुड. मतलब जेनरली मानना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, छोटे बच्चे को आप कुछ समझाओगे तो उनको समझ में नहीं आता. वो वही करते जो उनको करना है, राइट? बचपन में ही तो राइट होता है ये सब करने का, राइट? मुझे ये चाहिए तो चाहिए, उसे कुछ समझना नहीं है. तो उनको उस टाइम पे एक्टिंग कराना इज वेरी डिफिकल्ट. एंड क्या उसने पता नहीं कैसे कर रहे हैं. उनको बोलना कि हंसो तो हंसना है, रोना तो रोना है, नहीं, बहुत डिफिकल्ट होता है. क्या आप दोनों और ने एक साथ एक शूट एक बहुत किया? सारे बच्चे हैं. हाँ जी, नहीं, क्या आप दोनों ने एक साथ शूट किया, मतलब बेबी के साथ शूट किया है शो में? हमारा सीन जो शूट हो रहे हैं वो वैकुंठ के लोकेशन में हम लोग शूट कर रहे हैं. तो वहां से हम ऑन स्क्रीन तो हम ऊपर से सब देख रहे हैं, बट हम सुमित और मलिक ऊपर से देख नहीं पा रहे हैं. हम सीधा टीवी में देखेंगे. विष्णु जी का किरदार निभाना आपके लिए अभी और कितना डिफिकल्ट हो गया है, या कितना चैलेंजिंग हो गया है सुमित? नहीं, क्या क्या था, पहले राधा कृष्ण में ही विष्णु जी का किरदार निभाते थे हम. अभी अलग शो है, उसके अलग रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आपको अलग एनर्जी डालनी है राधा कृष्ण के साथ साथ. तो थोड़ा हेक्टिक हो जाता. टाइम दिन में 24 घंटे ही होते हैं, हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं, वो बढ़ नहीं रहे. तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. बट यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन बहुत बड़ी है, तो उस चीज़ की वजह से ये सब चीजें इतनी बड़ी नहीं लगती हैं. मेहनत डिफिकल्ट. सो मलिका, आप क्या बोलना चाहोगे? लक्ष्मी का किरदार निभाना विद हैवी ज्वेलरीज एंड ऑल, कितना डिफिकल्ट है आपके लिए भी? डिफिकल्ट तो है ही, बट आई थिंक अगर हम सबसे पहली बात मैं यही करूंगी कि अगर हम JKLK में हैं तो वो राधा कृष्ण की वजह से हैं, और लोगों ने इतना प्यार दिया उसकी वजह से हैं. तो बाकी सब चीजें सेकेंड पे होती हैं, ज्वेलरी, कॉस्ट्यूम, सब. ऑब्वियसली उनको भी हम उतनी ही रिस्पेक्ट करते हैं जितना वो हार्डवर्क करते हैं डिज़ाइन करने में, हर चीज़ करने में, और हमें बिल्कुल वैसा दिखाते हैं. इनको पूरी बॉडी पेंट होता है ब्लू कलर से, दैट्स वेरी डिफिकल्ट. उसको पूरा निकालना आई थिंक आधे घंटे से ऊपर ही जाता मैं होगा. जब पैकअप होता है ना, तो पहले तो मैं रेडी होता हूँ, तो तब सब वेट करते हैं, ठीक है? क्योंकि अभी आदमी को पूरा कलर करना और प्रॉपर ऐसा लगना नहीं चाहिए कि कहीं छूट रहा है. तो जब पैकअप हो जाता है तो इट टेक्स लाइक अराउंड 30 मिनट्स कि मैं पूरी बॉडी का कलर निकालूं. और जब मैं बाहर आता हूँ कोई नहीं होता है, सब घर जा चुके होते हैं, आधे लोग सो भी जा चुके होते हैं तब तक, आधे घंटे में सब चेंज करके. और तो मुझे पूरा निकालना ही पड़ता है, नहीं तो जो कपड़े में पहन के जाता हूँ पूरे खराब हो जाते हैं, सब गायब हो जाते हैं, लिटरली सब, लाइक एवरीथिंग इज लाइक गॉन. ऐसा लगता ही नहीं कि वहां पे शूट हो रहा था. आई थिंक यही है कि मेहनत हम जितनी भी करें, 3 साल से वैसे भी कर ही रहे हैं, और हमने ही ये चूज किया है करना, यहाँ पर आना, यहाँ पे पोर्ट्रेट करना, वो किरदार जो हमने चूज किए हैं, इतनी मेहनत की है, तो बस उसके साथ जो भी आता है वी हैव टू टेक इट एनी हाउ, देयर इज नो अदर ऑप्शन. सो हम बाकियों को देखते हैं, जैसे हमारे यूनिट वाले हैं, वो 1 घंटा पहले हमसे आते हैं और पैकअप के बाद 1 घंटा बाद हमारे जाते हैं. इट्स वेरी डिफिकल्ट. हम फिर भी थोड़ी बहुत नींद लेते हैं, वो तो बिल्कुल भी नहीं लेते. हमें रूम्स मिलते हैं, हम रेडी होते हैं, उनको तो रूम्स भी नहीं मिलते. इट्स वेरी डिफिकल्ट. सो वो कॉन्स्टेंटली चीजें ना हमें ना वो जैसे हमारे लाइट दादा है, वो
सेट करते हैं, लाइट्स लगाते हैं, उसके बाद वो साइड में ही रहते हैं। हमें क्या है, हमें जाके प्रिपेयर होना है, हमारे लिए अलग से एसी रूम्स होते हैं। पर डेफिनेटली यार ये बहुत बड़ी चीज़ है, लाइक इतना वो मेहनत करते हैं। एंड आई थिंक सो उन उन लोगों के साथ अलग एक कनेक्ट कर पाता हूँ मैं, बहुत अच्छा लगता है उनके साथ बैठ के गप्पे मारता हूँ सेट पे, और वो जी जेन्युइनली दिल से निकलता है। तो मैं मलिका आपसे जानना चाहूंगी, मलिका आप राधा के किरदार में दिख चुकी हो और अब आप नजर आ ही रही हो राधा के किरदार में और साथ ही साथ लक्ष्मी के किरदार में। अपार्ट फ्रॉम माइथु, एनी अदर प्लानिंग एनी फॉर एनी अदर कैरेक्टर यू वांट टू डू, योर वेट फॉर द कैरेक्टर जो आप करना चाहते हो अपार्ट फ्रॉम? एज आई ऑलवेज सेड कि मैं आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो, जो आएगा वो आएगा। एंड ऑब्वियसली मुझे लोग इतना प्यार कर रहे हैं राधा में, देन अगेन वी आर देयर इन लक्ष्मी जे के एल के एज लक्ष्मी एंड विष्णु, बहुत ही प्यार दिया इसलिए हम आज यहाँ पे हैं। ऑब्वियसली बींग एन एक्टर यू हैव टू बी वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर वर्क, वट एवर यू डू, वट एवर इज प्रेजेंटेड टू यू। सो ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ आगे ग्रो करना, और मैं ना बहुत धीरे धीरे सीख रही हूँ। Like every single thing that's been given to you as a human being, whether it's connected to your acting field or whatsoever. I don't think so कि अगर मैंने ये चूज किया है एक्टर बनना तो मैं वही बन के ही पूरी जिंदगी बिताऊंगी। There are many other things, many other options I can go for. So मेरा कोई फिक्स नहीं है कि मैं आगे जाके इसी में ही घुस जाऊंगी या मैं कुछ और भी करूँ जिंदगी में। सो मैं वो सोचती ही नहीं हूँ, आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। जो दिया जाएगा उस पर वर्क करेंगे, वो हमारे नसीब में है, वो हमारा फर्ज है। जो प्रेजेंट किया जाएगा उसके लिए वर्क करना हमारा फर्ज है। आगे का क्या है क्या नहीं है, आई जस्ट डोंट डोंट थिंक अबाउट दैट ओनली। सो मैं उस वे में जाती ही नहीं हूँ। यू जस्ट हैव टू बी टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री ऑल द टाइम। दैट्स वेन यू कैन वर्क ऑन एवरीथिंग दैट्स प्रेजेंटेड टू यू, नो। एंड यू वॉन्ट गेट टू नो दैट पर्टिकुलर मोमेंट, यू विल गेट टू नो later on with the time when you're supposed to know what it exactly is. That's how I स्पेसिफिक रोल आपको कुछ करना हो या कोई ऐसा पसंदीदा कैरेक्टर हो या कोई जॉनरा हो जो आपको करना हो? अगर मैं पर्सनली बोलूं, प्रेजेंटली मैं उस लायक नहीं हूं कि मैं हर एक चीज कर सकूं, बट आई वॉन्ट टू बी इन दैट पोजिशन कि मैं हर एक वो चीज कर सकूं जो शायद मुझे हेल्प करे स्पेशली फर्स्टली, देन बाकियों को हेल्प करे। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक योर सेल्फ प्राउड रादर देन एनीबॉडी एल्स इन द वर्ल्ड। सो वो अभी तक नहीं कर पाए तो मे बी इन द फ्यूचर पर्सनली आई वांट टू मेक माय सेल्फ प्राउड दैट आई कैन डू दिस देन टू द पीपल अराउंड। एंड व्हाई आर यू नॉट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हूं, बट अगेन अ स्पेसिफिक थिंग इफ यू टॉक अबाउट। या ओके, सो सुमित मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या आप ये शो में जैसे कि हम राधा कृष्णा में देखते कि आप एक सीख देते हो शो के एंड में, क्या ये शो में भी आप सीख देने वाले हो एट द एंड ऑफ द शो? आपको क्या लगता है? होगा शायद, पता नहीं, एक्चुअली वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि दोनों शोज में कंटिन्यूअसली ये चीज कर पाना। एंड टाइम टू टाइम फिर उतना कलर करा के एंड देन वो निकाल के देन राधा कृष्ण करके, आई डोंट थिंक दैट्स समथिंग व्हिच इज पॉसिबल। बट लेट्स सी आगे जाके क्या क्या हो, पता नहीं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओके, अपार्ट फ्रॉम द शो एनी अदर प्लेटफॉर्म यू गाइस आर ट्राइंग टू बी देयर, जैसे कि वेब सीरीज हो गया, ऐसा कुछ सोचा है वेब सीरीज को ये सब लेकर बोलते भी? हैं, आपके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान है, ऐसा क्यों है? नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि अगर वेब शो को भी लेकर है, बिकॉज SKT जल्दी ही एक वेब शो भी लाने वाले हैं, तो क्या आप उसमें भी नजर आ पाओगे? पता नहीं, आप देखते हैं, अगर ऐसा कुछ होगा तो पता चले। कुछ चीजें एक सर्टेन टाइम पे ही रिवील की जा सकती हैं, एंड दैट्स द फन ऑफ इट। बट येस डेफिनेटली एक चीज हम इतनी कह सकते हैं कि हाँ, जिन फैंस ने आज तक हमें जितना सपोर्ट किया है, जितनी उम्मीदें लगाई हैं, वी ऑल आर गिविंग अ बेस्ट टू ऑलवेज मेक देम प्राउड एंड टू डू समथिंग दैट सेटिस्फाइज अस एज एन आर्टिस्ट एंड गिव पीपल
मतलब लोगों को ये हम देना चाहते हैं कि जितना वो उम्मीद रखते हैं हमसे, जितना प्यार दिया, उन रिटर्न हम कुछ कर सकें। ओके, सो शो में कई सारे नए किरदार भी जुड़े हुए हैं और कई जो ऐसे किरदार है जो कि राधा कृष्णा में भी नजर आ चुके हैं, तो उनके साथ फिर से काम करना आप लोगों के लिए कितना एक्साइटेड है? क्या आप लोगों का मिलना हुआ एक साथ एक ही सेट पे? मेरा मामा के साथ ये हुआ, मतलब अर्पित रंका जी, उनको मैं मामा ही बोलता हूँ और वो भांजी ही बोलते हैं मुझे, और उनका उनका बेटा है, ठीक है। वो जब भी वो बहुत छोटा था जब उसने राधा कृष्ण देखा, तो ही रिमेम्बर्स मी बाय राधे राधे। तो जैसे ही वो राधे राधे सुनता है, वो छोटू सा अभी तो बड़ा हो गया, तो वो मुझे याद करता है उस टाइम पे। तो कहता है कि राधे राधे कहाँ है, तो वो आके मिलता था सेट पे। एंड मामा इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, बहुत ही प्यारे इंसान है वो। पोर्ट्रे करते हैं कंस का रोल, बट बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड इंसान है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी सिंपल। बाय द वे, दिस इज चिकू। चिकू, यस, हाय। आई थिंक चिकू की भी एक अलग फैन फॉलोइंग है। चिकू की फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा है। यस, ओके। सो नवरात्रि आप लोग कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो सेट पे? इज देयर एनीथिंग वाइब इन द सेट, ऑन अ सेट? त्योहार हम मोस्टली नहीं मना पाते हैं बिकॉज ऑफ द वर्क शेड्यूल एंड उस चीज़ की वजह से, लेकिन सेट पे एक माहौल तो होता है। हम लोगों को देखते हैं, सज धज के आते हैं, अब सब आते हैं और वो एक एनर्जी, एक वाइब सेट पे आती है डेफिनेटली, तो वहाँ से हमें पता चलता है। बैठो, हाय बोलो। हेलो। ओके, सो दशहरा के दिन क्या आप लोगों का प्लानिंग है? सो ओके, सो फाइनली एनी मैसेज फॉर द ऑडियंस हु आर ईगरली वेटिंग टू सी यू गाइस एज अ विष्णु जी एंड लक्ष्मी माता? आप सबके प्यार के लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद। आई गेस हम हमेशा ही ये चीज कहते हैं और दिल से कहते हैं, क्योंकि ये बात सच है, कोई भी आर्टिस्ट अगर स्पेशल लगता है तो उसे मिले प्यार की वजह से लगता है। एंड हमें जो मिला बहुत ज़्यादा मिला, शायद कभी सोचा नहीं था इतना मिला। एंड बस कोशिश कर रहे हैं कि आपके प्यार को मैच कर सके, खुद को इम्प्रूव करके और बेटर परफॉर्मेंसेस देख के। एंड बहुत वैल्यू करते हैं आप, एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों की वजह से हमारा शो चल रहा है, आपके प्यार की वजह से हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है एज ह्यूमन बींग्स। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार आपको। अरे आप कुछ कही, इतना थोड़ी, मलिका जी के फैंस, मैं मलिका जी के फैंस से इंसिस्ट करता हूँ कि आप उनसे कहिए कि वो बात करें। अरे बाबा, तो आप हम दोनों की तरफ से ही बोल रहे हो ना? नहीं, बट मैं चाहता हूँ आपका इंडिविजुअली छोटा सा मैसेज आपके फैंस के लिए भी। प्लीज, आपके, मैं यही बोलूंगी कि मैं अभी आपको मैं कितना धन्य शुक्रिया अदा करूं, मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूं जो आपको भी ब्लेस कर रहे हैं हमें देखने के लिए और हमें ब्लेस कर रहे हैं कि आपके सामने वो किरदार निभाने के लिए। सो आई थिंक आई जस्ट वांट टू थैंक हिम एंड थैंक यू गाइस कि उन्होंने आपको दिया, हमें ये शो दिया और आपकी वजह से हम यहाँ आज एक दूसरा शो कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, वी लव यू लॉट। थैंक यू सो मच। मैं हूं सुमन मुगलकर, IWM बस से। थैंक यू सो मच गाइस एंड ऑल द बेस्ट फॉर द दिस न्यू शो एंड होप कि ये शो भी ऑडियंस ढेर सारा प्यार दे आप दोनों को। थैंक यू सो मच। थैंक यू।